कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जब आप अंत तक देख लेंगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस देखना चाहेंगे बिजनेस से रिलेटेड। दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि इस बिजनेस को इंडिया में मुश्किल से बहुत ही कम लोग करते हैं। पूरे इंडिया में 2 से 4 लोग ही होंगे जो इस बिजनेस को करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये बिजनेस क्या चीज़ है। उससे पहले हम आपको बताएंगे, पहले इसके बेनिफिट्स जान लीजिए और ये किस तरह काम करता है उसको जानते हैं। देखिए अपने इंडिया में चाहे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट आप अगर देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे घर में आपको शुगर के मरीज मिलेंगे, यानी शुगर के पेशेंट मिलेंगे। और शुगर फ्री चीज़ें बनाने वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करती हैं अपने प्रोडक्ट का। आप मार्केट में अगर जाएंगे तो आपको शुगर फ्री, अगर आप बिस्किट लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप अगर शुगर फ्री लेते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसी गैप को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बिजनेस आइडिया आपके सामने ला रहा हूँ, जिसमें आप एक बहुत बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटी वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मात्र 20,000 रुपये के अंदर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट अपने इंडिया में कोई भी ब्रांडेड कंपनी अभी तक नहीं बना रही है और आप इसको बना करके ये जो गैप है आपके एरिया में जो भी शुगर फ्री चीज़ों का, उनको आप बहुत कम पैसों में सेल करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो आइए हम आपको आज बताने वाले हैं कॉफ़ी के बारे में। जी हाँ, आप भी सोचते होंगे कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि नुकसान होता है शरीर के लिए, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। आप पता होना चाहिए कि कॉफ़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बहुत बॉडी को नुकसान होता है। और जो ये कॉफ़ी आप बनाएंगे, ये कॉफ़ी कैसे आपको शुगर फ्री बनानी है वो मैं बताता हूँ। आपने डेट्स यानी खजूर, सभी कोई खाते हैं, आपने खजूर का नाम भी सुना होगा और बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो खजूर आप खा करके उसके बीज फेंक देते हैं उससे भी इतना कॉस्टली प्रोडक्ट बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप कॉफ़ी बना सकते हैं, वो भी नेचुरल कॉफ़ी बनेगी और आप लैब में भी टेस्ट करवाएंगे तो एकदम नेचुरल चीज़ है और शुगर फ्री है। तो आइए जानते हैं कि हम कॉफ़ी किस तरह से इसकी बनाएंगे। तो पहले हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको मैं आगे वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं कवर करूंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से बनेगा, आपको क्या मशीनरी लगेगी और किस तरह से आपको सेल करना है। तो सबसे पहले आपको खजूर के बीज लेने होंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि खजूर के बीज आपको कहाँ से मिलेंगे। आप इंडिया मार्ट पे जा करके सर्च कर सकते हैं कि खजूर के बीज आपको ख़रीदने हैं। वहाँ पे आपको बहुत से बायर और सेलर मिल जाएंगे जो कि आपको इस बीज को प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं मिलता है उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपको बीज नहीं मिलता है तो आप खजूर खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ता वाला खजूर खरीदें। आपको ज़्यादा महंगा वाला खजूर नहीं खरीदना है। अगर सस्ता वाला खजूर खरीदेंगे तो 125 रुपए से लेकर के 180 रुपए केजी तक आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको खजूर के जो ऊपर का हिस्सा है यानी गूदा जिसे बोलेंगे, जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम लोग खाते हैं, उसको हमें इसमें से निकालना है। मतलब खजूर का बीज हमें अलग करना है। फिर उसके बाद जब सारे खजूर के बीजों को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद हम इन बीजों को अच्छे से धोएंगे यानी इनकी क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद
क्लीनिंग करने के का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको इसे गर्म पानी में उबालना होगा, ग्लूपन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे बड़े स्केल में अगर करना चाहते हैं, घर से भी करना चाहते हैं, तो आप एक बॉयलर छोटा सा ले लें, अगर स्टीम बॉयलर है तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आपको क्या करना है, उसको उबालना है। अच्छे से उबालने के बाद फिर आपको उसे सुखाना है, उसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने की मशीन आती है, आप चाहें तो मशीन में रोस्ट कर सकते हैं, या आपके घर में अगर ओवन है उसमें रोस्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसे चूल्हे पर किसी बर्तन में भी रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको घर से स्टार्ट करना है तो आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके घर में ग्राइंडर होगा और आपके घर में छोटा बर्तन चाहे कोई भी चीज़ ज़रूर होगी, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब रोस्ट हो जाएगा फिर आपको इसे ग्राइंडर में पीसना है। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप इसको किस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप बड़े लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बड़ा ग्राइंडर आपके पास होना चाहिए, छोटे लेवल से करना चाहते हैं तो छोटा ग्राइंडर होना चाहिए। फिर आपको इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है, जैसा कि आपने देखा है कॉफ़ी का जो पाउडर होता है, ठीक उसी तरह आपको इसका कॉफ़ी का इसका पाउडर बनाना है। इस बीज का देखिए इस तरह से पाउडर बना लेंगे। उसके बाद बनाने के बाद ये आपकी कॉफ़ी तैयार है, और वो भी नेचुरल कॉफ़ी। अब आप सोचेंगे इसे हम सेल कहाँ करेंगे। सबसे पहले आपको इसका पेमेंट पैकेट खरीद लें, पाउच, और अगर चाहें तो आप अपने बॉक्स यानी कि जो छोटे छोटे जार आते हैं, जो डिब्बे आते हैं, उनको ख़रीदें और उनमें आप इसे पैक करें और उस एक स्टिकर बनवा लें अपने ब्रांड का, और वो स्टिकर उसके ऊपर लगा दें। उससे क्या होगा कि जितना अच्छा लुक होगा देखने में, पब्लिक उतना अट्रैक्ट होगी और उतना ही ज़्यादा उसको खरीदेगी। और मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप जो ग्राइंडर है वो अच्छा वाला लें, क्योंकि छोटे ग्राइंडर में इसका अच्छा पाउडर नहीं बनेगा। इसके लिए आप कोई भी कॉमर्शियल ग्राइंडर जो कि आपको 15-20 हज़ार रुपये अंदर में मिल जाएगा, आप उस ग्राइंडर को इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका कॉस्ट बहुत ही कम आने वाला है, बहुत ही कम। आप इसे सेलिंग, आप कॉफ़ी का प्राइस देख सकते हैं कितना मार्केट में रेट है, उससे कम प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यकीन मानिए पूरे इंडिया में इस बिजनेस को अभी कोई नहीं कर रहा है, आप करके इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि जो हमने खजूर के 6 गुदे निकाले थे उसका हम क्या करें। अगर आप बीज खरीदते हैं, अगर आपको बीज मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर बीज नहीं मिलते हैं तो सस्ता वाला खजूर लेके आप उसके बीज से वो कॉफ़ी बना सकते हैं। अगर उसके बाद आपको वो जो छिलके यानी कि जो गूदा आपने निकाला था खजूर का निकाला था, डेट्स का, अब आप सोचेंगे उसका मैं क्या करना है। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप 2 बिजनेस आइडिया एक साथ में कर सकते हैं, वो भी एक ही प्रोडक्ट से, जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। यानी कि हिंदी में जो कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम, सेम वही चीज़ है इस बिजनेस में कि आपको जो गुठली निकलेगी उससे आपकी कॉफ़ी बन जाएगी, और जो उसकी उसका जो गूदा होगा उससे आप एक दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस बिजनेस के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो छिलके जो गूदा बचा हुआ था उसका
बिजनेस आइडिया अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा। हमें कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके, कोई बिजनेस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आइडियाज़ के साथ।